हेलो स्टूडेंट, अगर आपको इस प्रकार का कोई प्रश्न मिलता है तो अब आप बहुत आसान तरीके से लगाओगे, आप बिल्कुल भी माइंड नहीं लगाओगे। ठीक है, कैसे लगाओगे चलिए सिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर जैसे चार लिखा है तो इसको लिख सकते हो एक गुणे चार, भाई चार से एक घटाओगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा। अब ये चार से खत्म हो तो चार से शुरू करो, चार और यहाँ पर लिख दिया नौ, नौ चौक कितना हो जाएगा 36, और नौ से चार घटाओगे तो पाँच मिल जाएगा। इसी प्रकार से प्रिय छात्र यहाँ पर क्या लिखोगे, नौ और यहाँ लिखोगे 16, और सभी देखिए सबका वर्गमूल निकाला जा सकता है। ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ पर 81 और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं। प्रिय छात्र, जब इस तरह का कभी कोई क्वेश्चन आपको आपको मिल जाए तो आपको यही करना होता है। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, जो पहली वाली संख्या होती है ठीक है बटे में एक कर दो, तो अगर इसको पलट लीजिए और जो लास्ट में संख्या है उसको भी पलट लीजिए तो एक बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बस इसको हल कर लीजिए, आपका कितना गया भाई, देखिए 100 से एक में करोगे तो कितना हो जाएगा 100 × 100, और एक से हमा करोगे तो एक से एक मतलब एक एकन्नम एक हो गया, नीचे नीचे करोगे तो आपका इतना हो जाएगा, और कुल मिलाकर के ये हो गया 99, और नीचे नीचे कितना आ गया 100 आ गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना, जबरदस्ती है।